ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। आज़ादी को लेकर कंगना रनौत ने दिया विवादित बयान, तो भड़की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और पूर्व IAS। टाइम्स नाउ के समिट 2021 में कंगना रनौत ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से लेकर पूर्व IAS और कई कांग्रेस नेता BJP और कंगना पर भड़क रहे हैं। कंगना ने इस इवेंट में कहा कि आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है। कंगना ने एंकर नाविका कुमार के सामने कहा कि 1947 में मिली आज़ादी भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली। कंगना ने अपने बयान में कहा कि सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी का खून न बहाए। उन्होंने आज़ादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। नाविका कुमार ने इस पर कहा कि इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। इसके जवाब में कंगना कहती हैं कि अभी इसके बाद मुझ पर 10 केस और होने वाले हैं। नाविका ने कहा अभी तो आप दिल्ली में हैं। इस पर कंगना ने कहा कि जाना तो घर ही है ना। कंगना के इस बयान को देने के बाद इवेंट पर बैठे कुछ लोग तालियां पीटने लगे। इस वीडियो को देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कहा, कौन है वो बेवकूफ लोग जिन्होंने इस बात को सुनकर तालियां बजाना शुरू कर दिया, मैं जानना चाहती हूँ। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारी आज़ादी को भीख कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त असंतुलित ही कहेगा। वो आज़ादी जिसके लिए लाखों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, खैर उनसे और क्या आशा। नाविका जी, आज़ादी के लिए इस्तेमाल किए गए सस्ते शब्द और वक्तव्य की आपने आलोचना क्यों नहीं की, या आपसे भी आशा बेकार है? पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि इसीलिए तो कहा था कि यदि शोहरत मिले तो सोनू सूद बनना, कंगना नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को भीख बताने वाली कंगना। कांग्रेस नेता श्रीनिवास BV ने भी गुस्साते हुए कहा, ऐसे लोगों को पद्मश्री दिलाने वाले मोदी जी जवाब दें, क्या हम कुर्बानियों में मिली आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, या आपके भक्तों के अनुसार भीख में मिली आज़ादी का? एक यूजर ने लिखा, लकड़ी के घोड़े पर प्लास्टिक की तलवार लेकर वीरांगना बनने वाली सरकारी चाटुकार आज़ादी के सिपाहियों का अपमान कर रही है, हजारों कुर्बानियों के नतीजे को भीख बता रही हैं। कंगना रनौत के बयान पर रिएक्शंस का सिलसिला ऐसे ही जारी है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे।